महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ था जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं है। इसी श्रेणी में द्रौपदी का पांच भाइयों की पत्नी होना भी मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वंद्व आदि जैसे सभी तत्व इस कहानी में मौजूद है। इसी श्रेणी में एक है जामुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है, जिसे महाभारत का सबसे बड़ा खुलासा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आखिर क्या था वह रहस्य, आइए जानते हैं वीडियो कलश YouTube चैनल के इस एपिसोड में। एक प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान एक दिन द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान कृष्ण वहां पर आ गए। भगवान कृष्ण ने बताया कि इस फल से एक साधु अपने 12 वर्ष का उपवास तोड़ने वाले थे। यद्यपि द्रौपदी ने फल तोड़ लिए हैं, जिससे द्रौपदी तथा पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते हैं। यह सुनकर द्रौपदी तथा पांडवों ने श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने समाधान दिया, इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन बोलने होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जामुनों को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा, अब हर किसी को अपने अपने राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव तथा द्रौपदी साधु के कोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रचार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रम के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर उठ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम को बोलने के लिए कहा। साथ ही कृष्ण ने भीम को चेतावनी भी दी कि अगर उसने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और संभोग के प्रति उनकी आसक्ति कभी कम नहीं होती। साथ ही भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उनके गधे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य ना छुपाते हुए सब कुछ सच सच कह दिया। अब फल वृक्ष के और भी करीब पहुंच गया था। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने बोला कि मेरे 5 पति मेरी ज्ञानेंद्रियों के समान हैं, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर होता है, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण भी हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद भी बिना सोच विचार किए अपने कार्य को कर देती हूँ, जिससे मुझे बाद में पछताना होता है। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बावजूद भी फल ऊपर नहीं उठा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी जरूर कोई ना कोई राज छुपा रही है। द्रौपदी समझ गई। उसने अपने पतियों की तरफ देखा और कहा कि मैं आप 5ों से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6ठे पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से मैं उससे विवाह नहीं कर पाई, जिसका मुझे बहुत पछतावा है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं देखने पड़ते और संभवतः मुझे इतने कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। इतना सुनकर सभी पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य ही बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।